कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 3 दिवसीय बसंत उत्सव पीपल चातर मेला की पहली सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति, सभ्यता, आपसी भाईचारे व मेल मिलाप का प्रतीक है। कोरोना काल में 2 वर्षों के बाद बसंत उत्सव पीपल जातर मेले का आयोजन नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने नगर परिषद कुल्लू की समस्त टीम को बधाई दी। कुल्लू में आयोजित पीपल जातर मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का स्वागत किया गया। लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में नगर परिषद की तरफ से अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को कुल्लूवी शॉल और टोपी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सुंदर सिंह ठाकुर ने नगर परिषद कुल्लू की समस्त टीम को जातर उत्सव आयोजित करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि कुल्लू नगर परिषद द्वारा शहरवासियों के लिए चहुमुखी विकास के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक निधि द्वारा कुल्लू शहर के लिए 85 लाख रुपए की राशि से विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों को अमलीजामा पहनाया गया है। एक वर्ष है आज, एक बहुत लंबे कोरोना काल के बाद आज हम ये बसंत उत्सव मना रहे हैं। ये बसंत उत्सव मात्र एक उत्सव नहीं है, ये एक हमारी देवभूमि के एक पहचान है। हमारे ये मेले उत्सव, हमें इन्हें बड़ी अच्छी तरह मनाना है। 3 दिन का उत्सव ये रहेगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, 2 साल पहले जब मैं आपके बीच में विधायक बनने के बाद आया था तो यहाँ पे एक बात आई थी कि कुल्लू में विकास कैसे हो, शहर में काम आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे हम सभी जो हमारे जितने शहर में हमारे सामुदायिक भवन है उन्हें उनका जीर्णोद्धार कैसे किया जाए। मुझे खुशी है कि मैंने कुछ अपना सहयोग इसके लिए दिया है। उस वक्त मैंने कहा था कि मैं हर वार्ड को 5 लाख रुपए दूंगा और वो कुल मिलाकर 55 लाख बनता था। बावजूद कोरोना के जब मैं कल अपने दफ्तर से सारी रिपोर्ट निकाल रहा था तो मैं लगभग 85 लाख रुपए कुल्लू शहर के लिए दे चुका हूँ। लेकिन आज के दिन में जो हमें जरूरी है आधुनिक युग में, वो है एस्केलेटर और एलिवेटर। मैं चाहता हूं कि हमारे 11 के 11 वार्ड में अगले अमृत 2 योजना में मैं आपके साथ बैठूंगा। सरवरी के लिए लिफ्ट लगनी चाहिए, सुल्तानपुर के लिए लिफ्ट लगनी चाहिए, रघुनाथपुर के लिए लिफ्ट लगनी चाहिए, लोरन के लिए लिफ्ट लगनी चाहिए, हमारे जो है यहाँ पे चुनिंदा नगर के लिए लिफ्ट लगनी चाहिए, क्योंकि ये पौड़ियों पे चलने का काम नहीं। आपका आधुनिक जमाना है। बस स्टैंड के सामने जो हमारा ब्रिज लगा है उसके साथ ढालपुर को जोड़ने के लिए लिफ्ट लगनी चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आज मैंने कोशिश की है कि ढालपुर में एक सेल्फी का पॉइंट बना है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, एक सोच थी, एक समझ थी कि आई लव कुल्लू कैसे एक ढालपुर में कोना बना है, सेल्फी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इससे और आगे बढ़ते हुए मैं चाहता हूं ये कुल्लू का शहर जगमगाए। कुल्लू हमारे जिले का दिल है, ये हेडक्वार्टर का इलाका है। कुछ बातें हैं, कुछ सुविधाएं हैं जो हमें करनी है। मुझे मालूम है आपने प्लानिंग की है कि कुछ दिनों में आप यहाँ पे मॉल रोड की तरह जो शाम के वक्त में ये बहुत ही खूबसूरत नजारा इस ढालपुर का होगा। मेरी तरफ से जो भी सहयोग आपके लिए होगा मैं पूरे करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो ये जो अभी ये सेल्फी पॉइंट बना है ऐसा ही आगे तक जो है मैं चाहता हूँ कोई चेस पॉइंट भी बनना चाहिए जहाँ पे चेस भी खेल सके, और एक वहां पे कैनोपी एक जो बढ़िया वो बनना चाहिए बैठने के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए भी जगह बननी चाहिए। मैं अपनी तरफ से ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आप 10 लाख रुपए देने की घोषणा। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।